हाँ वालेकुम अस्सलाम जी भाई। हाँ कहाँ से बात कर रही जी, आपने फोन किया है तो किस काम आपको, से? मैं जी बोलिए, आपने तारुफ करवाई है। पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा न्यूज़ जो मैं देख रहा हूँ, अभी तुम जो कुरान के हवाले से बात कर रहे हो, ये मेरे सामने आप बहुत गलत बातें कर रहे हो। कुरान के हवाले से मैं गलत बातें कर रही हूँ? क्या ऐसे बातें कर रहे हैं? ये इस्माइली कुरान को नहीं समझते हैं और उसको नहीं मानते हैं, ये गलत बात नहीं? और क्या है, कौन बोल रहे हो इस्माइली कुरान को नहीं मानता है? सब मानते हैं। अभी कोई 2 मिनट पहले मैंने वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, जिसमें आपका इस्माइली भाई कहता है कि कुरान कैसे आया, किसी ने देखा? कुरान किसने नाजिल किया, कैसे आया? वो उस चीज को इनकार कर रहा है। तो वो तो चलो उसकी बात है, लेकिन आप अपनी बात बताइए कि आप कुरान को मानते हैं? आप कुरान को मानते? अच्छा, कुरान की क्या चीज मानते हैं? कौन सा हुक्म मानते हैं कुरान में से? अच्छा, ठीक है, मुझे मालूमात तो है, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते काफी हैं, अच्छी बात उनसे। है। लेकिन बिल्कुल मैंने आपसे ये पूछा कि बहुत कुरान सारे की कौन सी बात को आप मानते हैं? नहीं, अभी तो जो वहां भी तुम्हारा जीव चल रहा है, वहां तो बोल रहे कि कोई माता नहीं। मैं इसके हवाले से आपको बात कर रहा हूँ, कोई सबूत है तेरे पास? तो मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास सबूत है कि आप कुरान मानते हैं? मेरे पास इतना सबूत है कि इस्माइली कुरान को मानता है, बस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुरान में जो है, कौन कुरान में से कौन सा हुक्म मानते हैं? मैं इतना बड़ा आलिम भी नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि ये उसमें है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं बोल रही। अल्लाह का हुक्म तो है ना कुरान के अंदर, हाँ बिल्कुल, सब कुछ है। ठीक है। तो अल्लाह का कौन सा हुक्म इस्माइली मानते हैं ये बता दीजिए। ठीक है भाई, मैं कोई आपसे कोई बहस तो नहीं कर रही ना। आप मानते होंगे तो आप क्या मानते हैं कुरान में से, मुझे वो बता दीजिए ना। कुरान में जो लिखा हुआ है वो मैं मानता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से तो आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई कुरान में ये नहीं है, ये है, अपनी तरफ से तो नहीं बताया ना। जो कुरान कुरान में, में है हम उसके इस्लाम अच्छा, कुरान में को जो है, पहचानते हैं। कुरान में नमाज का जिक्र है, आप नमाज पढ़ते हैं? आप पढ़ता हूँ क्यों नहीं पढ़ता? कौन सी वाली, इस्माइली नमाज पढ़ते हैं कि मुसलमानों वाली पढ़ते हैं? ये मुसलमान और इस्माइली क्या मुसलमान नहीं है? जबकि देखिए, मैंने अभी तो नमाज पे इस्माइली सवाल कुरान किया कि आप क्या मुसलमानों की तरह रुकू और सजूद वाली नमाज पढ़ते हैं, जिसमें तशहद होता है, कयाम होता है, आप ये वाली नमाज पढ़ते हैं, या इस्माइली जो बैठ के अपने जमात खाने में 3 वक्त की अपनी दुआ पढ़ते हैं, आप वो पढ़ते हैं? जो 3 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, मैं वो पढ़ता हूँ। आप वो पढ़ते हो? तो पहले तो आप ये बताइए ना कि जो इस्माइली जिस चीज को पढ़ते हैं, वो नमाज कैसे हुई? हजरत अली ने ऐसे पढ़ी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी, किसी इमाम ने ऐसी ऐसी नमाज पढ़ी हो? आप साबित कर सकते हैं? मैडम मैडम देखो, सबका अल्लाह एक है, बेशक, ठीक है? ये पांच वक्त हो गया, 3 वक्त हो गया, 2 वक्त हो गया, ये दो अपनी तरफ से ये टाइम टेबल रखा हुआ है कुरान में है टाइम टेबल। अच्छा, टाइम टेबल को तो अगर आप, मैं वो तो बिल्कुल प्रूफ कर सकती हूँ। मुझे बताइए, कुरान में रुकू का तो लफ्ज आता है ना, रुकू, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, रुकू और सजूद करो, इस तरह की कुरान की आयतें हैं। तो आपकी जो इस्माइली दुआ देखो है उसमें रुकू देखो किधर होता देखो है? मैडम देखो मैडम, मैं भी ज्यादा बेस्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ ये बताऊंगा आपको, ये 5 वक्त का नमाज ये लोग अपनी तरफ से लाया, हजरत ये अली, हजरत कुरान अली में कहाँ शहीद हुए थे? हजरत कुरान अली कहाँ शहीद हुए थे? अच्छा, कुरान में एक बात और है कि कुरान में तो ये नहीं लिखा हुआ कि तुम लोग मस्जिदों के ऊपर
लगाओ, अजान दे दो, ये करो। कुरान में सुनते कुरान में देखा मैंने, अजान तुम्हें का जिक्र सिखा रहा। है, कुरान में अजान का हाँ जिक्र सिखा। है, तो हाँ आपकी आपकी जमात खानों में अजान तो नहीं होती है, बल्कि उस पर पाबंदी है। वो कुरान में नहीं है, जो कुरान में नहीं है तो वो तो फिर नहीं कर सकते ना। आपने ये कहा अभी कि आप, लोग अजान का जिक्र है ना, वो तो नहीं बोल रहे भाई। तो हाँ, लाउड स्पीकर वो लगाओ, कुछ आवाज लाउड स्पीकर के बोलो साथ या भी अजान हो जाएगी, लाउड स्पीकर के बिना भी अजान हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि आप लोग लाउड, आप अजान ही क्यों आपने खत्म कर दी, उस पर क्यों पाबंदी लगा दी? हमारा इमाम जो अरामीन भेजते हैं, हम उसी के हिसाब से चलते आप कुरान के हिसाब से नहीं चलते, ये आप कह रहे हो। हैं। कुरान में नहीं है, कुरान कुरान में क्या नहीं है? में ये इस तरह का लोड जिक्रों का, ये मैं जो लाउड लोग कर स्पीकर रहे की हैं बात नहीं कर रही इस मेरे तरह भाई, का भी मैं सब नहीं। अजान की बात कर रही। अजान कुरान में भी 5 वक्त का नमाज भी नहीं है, मैंने अभी ये तो अजान का जिक्र करी हूँ, 5 वक्त की नमाज की बात तो मैं इंशाल्लाह वो भी करूंगी आपसे और साबित करेंगे। आप ये बताइए कि आपके जमात खाने में अजान पर पाबंदी क्यों है, जबकि कुरान में उसका हुक्म है? अभी हम इस तरफ आपके साथ व्यस्त तो नहीं करेंगे, जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो तो करेंगे, बाकी आगे हम कोई भी हम आपको मेरे जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना, और बात सब आप सिर्फ ये कहने आए हो कि आप कुरान को मानते हो, लेकिन अभी तक मैंने आपसे जितने सवाल किए आपने उसमें से किसी एक बात में भी ये नहीं बताया कि आप अल्लाह का ये हुक्म कुरान से मानते हो। इस्माइली जो है वो वजू करके नमाज नहीं पढ़ते, इस्माइली जो है वो वजू को नहीं मानते, अजान को नहीं मानते, रुकू और सजूद वाली नमाज को नहीं मानते, रोजा नहीं रखते, जकात नहीं देते, हज नहीं करते। तो ऐसा ये जो मुसलमान है ये कौन सा रोजा रख दिया? यहाँ तो ठीक ठाक कोई पूछा सारी दुनिया रोजा ना रखे लेकिन उससे अल्लाह का हुक्म थोड़ी तब्दील हो जाता है कि रोजा तुम पर फर्ज है। रोजा तो फर्ज रहेगा। अब अगर चार पांच लोग या एक कुछ अल्लाह के नाफरमान जो है वो रोजा नहीं रखते तो उससे रोजे पे कोई फर्ज थोड़ी। सही बात आपने, सबको फर्ज है। अगर अभी तो बोल रहे कि इसमें रोजा क्यों नहीं रखते, हाँ तो क्यों नहीं रखते ये रोजा? जो मुसलमान है 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये कौन सा पूरा किया? ये भी नहीं, तो कोई मैं ये बीच पूछ में रही हूँ आके ना कि छोड़ते हैं इस्माइलियों ना। के इमाम ने रोजा खत्म कर दिया तो ये तो अल्लाह की नाफरमानी है ना। अल्लाह हुक्म देता है रोजा खा, रोजा जो है वो रखो और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी आसमान पे नजर आ जाए। तो खाने पीने से रोकने का भी जो है वो हुक्म है और वो आयत भी मिलती है। इस्माइली कहते हैं हम खा पी के रोजा रखते हैं, हम बातिनी रोजा रखते हैं, तो ये तो अल्लाह के हुक्म का इनकार है भाई। हम लोग जो भी करें अल्लाह को पसंद है इंशाल्लाह। तो आपने आपको कहा कैसे कि पता चला कि वो अल्लाह को पसंद है? आपको अल्लाह ने खुद पसंद गारंटी है, जैसा जै, दी क्या? जैसा अल्लाह पाक ने भी खुद लोग आके आपको कहा कि मुझे अल्लाह पसंद है? को मतलब इसका कोई टेंशन नहीं है, टाइम अल्लाह टेबल को नहीं याद है? अच्छा, करना है, अल्लाह को मानना है, कुरान को मानना है, बाकी ये लोग सब अपनी तरफ से लाया हुआ है। अगर आपके तो मैं इमाम भी जो है वो मानता कहते हैं हूँ। हाँ दसों दो, ठीक है, आप जो है वो जकात देना शुरू कर दो, तो क्या आप अपने इमाम की नाफरमानी नहीं करोगे? नहीं, वो तो फरमाते हैं 10 वन दे दो। दसों दो ना, जकात नहीं दो, दसों का बोलते हैं, लेकिन अगर आप दसों छोड़ के जकात देना शुरू कर दो तो क्या ये इमाम की नाफरमानी नहीं होगी? 10 वन और जकात सेम है ना, इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। जकात में और दसों में जमीन आसमान का फर्क है। जकात जो है वो साल में एक दफा आप जो है वो अपने बचत पर देते हो, पूरे साल भर की बचत पर देते हो, जबकि आप अगर हम इस्माइली जो अच्छा है, के महीने में ये तुम लोग जकात इस महीने में देते हैं ना, रमजान के महीने में सारा मौलवी खा पीते हैं, बिस्तरे गोल करके चले जाते हैं इधर उधर, उसका कोई पूछते नहीं है। हम लोग तो हर महीने में 10 वन जकात तो अदा करते हैं, वो गरीबों के उसमें जाते हैं।
देखो, उसने आप कोई मौलवियों ऑप्शन की दे दिया बात कि करोगे, मौलवियों हाँ की बात करोगे तो मौलवी से इस्लाम थोड़ी है। इस्लाम तो वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, कुरान में और हदीस से साबित है। ठीक है, नबी ने कहा कि तुम लोगों ने साल में एक दफा ही 2.5% जो है अपनी बचत में से देना है। ठीक है, लेकिन आप कहते नहीं, जो नबी तरीका दे रहे हैं हमें ये पसंद नहीं, हमें तो इमाम का तरीका पसंद नहीं है, पसंद है, हम तो इमाम के तरीके पे चलेंगे, हम तो नबी के तरीके पे नहीं चलेंगे। तो ये इस्लाम थोड़ी हुआ, ये तो आपके इमाम का अपना कोई मजहब हुआ जिसको आप फॉलो करते हो। इस्लाम ऐसा नहीं है, आप इस्लाम के नाम पे कुछ भी शुरू कर दोगे और फिर कहोगे कि ये इस्लाम है, तो ऐसा तो थोड़ी चलेगा भाई। नहीं नहीं मैडम, इसको कोई मानता भी नहीं। हमारा इमाम क्या नबी को नहीं मानता है, रसूल को क्या नहीं कहाँ मानता, अल्लाह मानता को है? क्या नहीं मानता, चलो, ये बड़ा अच्छा सवाल मुझको किया मानता आपने, कहाँ मानता है? आपके इमाम है। नबी और अली वाले कौन से काम करता है, मुझे एक कोई काम बता दो। हमारा इमाम का फरमान है हर फरामीन में, यानी कि आपको जब जब आपको मतलब टाइम मिला, या अल्लाह या मोहम्मद या अली, ये हमेशा ये तस्बीह पढ़ो। मुझे ये बताइए कि या मोहम्मद या अली वाली तस्बीह आपको इमाम के अलावा कहीं कुरान, कहीं हदीस, कहीं पर अली के अकवाल कहीं मिली है आपको? ये तो आपके इमाम ने आपको शिर्क सिखाया है, ऐसे अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने का आपको जो है वो शिर्क की तालीम दे रहा है आपका इमाम, तो वो तो कुफर सिखा रहा है आपको। वो क्या सिखा रहा है, या अल्लाह तो बता रहा है, या मोहम्मद तो बता रहा है, नहीं तो या आप अली मुझे बता रहा बताएं कि या अली या है। मोहम्मद वाली तस्बीह आपको कुरान में हदीस में कहां से मिलती है, साबित कर सकते हो? कुरान में नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुरान में तो है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसमें अगर नाउजु बिल्ला बाद में या मोहम्मद या अली पुकारना हो तो इसका मतलब ये कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने कुरान में झूठ लिख रहे हैं नाउजु बिल्ला, कि तुम मुझसे मदद मांगो और आगे जाके अली से मदद मांगो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, सारा इन्हीं के अंदर है, बात खत्म करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, ना आप लोग हमको मानते हैं, ना हम आप लोगों को मानते हैं, बस खत्म। सही बात है, खत्म, बात खत्म। हम लेकिन जाने सब लेकिन कहा है मसला कि है ना भाई, मसला ये है कि आप लोग हमें हमें जीने नहीं दे रहे। आप लोग मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हो, आगा खान को मुसलमानों का इमाम बोलते हो, मसला यहाँ पे आ जाता है। हम हमारे ऊपर ऐसा इमाम क्यों थोप रहे हो, क्यों उसको मुसलमानों का इमाम कहते हो, जबकि वो इंसान खुद शराब बेचता है, जुआ खेलता है, सूद खाता है, जानी है, गंदी औरतों के साथ शादी करता है, गंदी औरतों के साथ घूमता है। मेरा गर्दन काट और हमारा इमाम ऐसा करता भी नहीं है। आपका इमाम शराब नहीं बेचता? अगर ये हमारा इमाम इस तरह काम करे, इस तरह हरकत नहीं करे, उसको हाँ, कोई मानता भी नहीं करेगा। अब मेरे मेरा भाई, गर्दन काट आपके आपके इमाम का शराब का कारोबार नहीं है, ये आपको पता नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये है? सरीना लोग होटल अपनी किसका तरफ है? से अरे बोला है। भाई, सरीना होटल किसका है? वो तो इमाम का है, अगर लोग बेईमानी कर रहे हैं उसका क्या कसूर है? बेईमानी की क्या बात है, एक इमाम है। अब आपका घर है, आपके घर में एक आदमी आके और शराब बेचना शुरू उसका कर दे, इमाम आपको नहीं है पता ना, नहीं चलेगा? उसका इमाम दोस्त नहीं है ना। तुम आपका क्या ख्याल है, क्या मुसलमान शराब नहीं बेचते हैं, शराब नहीं पीते हैं, मुसलमान खुद को सब इमाम नहीं करते हैं, कहता, अपने अहले सब बैत करते नहीं हैं। कहता। बात सुनिए, कोई भी मुसलमान अगर शराब बेचता है तो वो लानती है, और वो अपने ऊपर कोई इमाम लानती है, या वो भी अहले बैत लानती है, का, अगर तो वो ले सका है वो भी लानती है, बस मैं साबित कर दूं आपके ये इमाम ने सब। शराब बेची है और वो खुद मान रहे हैं कि मैं शराब बेचता हूं, साबित करूं आपको? लानत वो भेज सर दो। का फोटो नहीं, ऐसे फोटो नहीं, लगा फोटो के नहीं, फोटो नहीं, स्माइली हाँ नोसेस, आपके इमाम की वेबसाइट AKDN का, वहां पर सरीना होटल्स का खुद पंफलेट लगा हुआ है कि आज यहाँ पर वाइन टेस्टिंग होगी, आपके AKDN की वेबसाइट पर है। मैं आपको अभी अभी सेंड कर देती हूँ, एक मिनट रुकिए, व्हाट्सएप पे ही मैं आपको दे रही हूँ। आपके आपके इमाम ने सुअर का गोश्त बेचना भी शुरू कर दिया है।
मानता, हाँ वो देखो एक मेरे बहुत ही भाई, ऐसे काम कर रहे हैं देखो हम मैं ये बात कह रही करने। हूँ, आप बिल्कुल मेरी बात नहीं मानो, आप खुद रिसर्च करो। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बेशक दोबारा आइएगा, 100 बार मुझ पे लानत कीजिएगा। मैं आपको कोई बात अपने से नहीं कर रही हूँ, आपके अपने इमाम की AKDN वेबसाइट है, वहां पे जाइएगा। फार्मर्स चॉइस के नाम से आपके इमाम ने कंपनी के साथ मुआहिदा किया है, वहां पर वो प्रोसेस्ड पोर्क मीट बेच रहा है आपका इमाम, और उसका जो पेपर साइन कर रहा है वो अली मोहम्मद, जो आपके इमाम के सबसे छोटे बेटे, और हुसैन, वो पेपर साइन कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका इमाम जो है वो सूअर का गोश्त बेच रहा है, सूद का कारोबार है आपका इमाम का। HBL में मुसलमानों को 25% पर अनम हर साल सूद चार्ज करता है आपका इमाम, सिर्फ पाकिस्तान में। तो सूद का कारोबार करना, शराब बेचना, सूअर का गोश्त बेचना, उसके बाद आपके इमाम के ऊपर जिना का केस हुआ, इनारा आगा खान ने इमाम पर 75 मिलियन यूरो का केस किया, और वो प्रूव हुआ कि आगा खान जो है वो उन्होंने एक अफेयर चलाया था एक एयर हॉस्टेस के साथ। चलो, ये जो वीडियोस है आपके पास होते हैं वो भेज दो, मैं यहाँ वहाँ सकते जाता हूँ, रब्ता करता हूँ। ऐसा करो। हाँ बाकी मैं देखा नहीं है, सुना नहीं है, अभी पहली बार आप बता रहे हो, तो अच्छा भाई, सही, बहरहाल इसके हवाले से मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल ये एक आपने बार मैं बहुत अच्छा आपको बोला किया। कि वो इस तरह का काम तो नहीं कर। नहीं माशाल्लाह, आपकी एक बात हाँ अच्छी है कि बजाय आपने वो गुस्सा करने के, आपने क्या कहा, मैं तहकीक करता हूँ, मैं खुद सर्च करूंगा, ये अच्छी बात है ना। आप मुझ पे यकीन करो ना किसी और पे, आप तहकीक करो। जो चीजें मैं आपको भेज रही हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आप अच्छे से देखो, अगर उसमें लगे कि कोई चीज मैंने खुद से बनाई है तो आप बेशक आकर जो आपने बोलना है सबके सामने, लाइव स्ट्रीम हमारा प्रोग्राम होता है, आप आके साबित करना कि ये लड़की झूठ बोलती है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपने माशाल्लाह ये अच्छी बात की कि आप सर्च करोगे, तो मैं आपको अभी लिंक देती हूँ। आप बिल्कुल किसी भी साइड ना होते हुए, ना खुद को इस्माइली समझे ना आप कुछ और, आप एक रिसर्चर के तौर पर रिसर्च करके और फिर मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ सारे लिंक्स, वो भी AKDN से। आपका नाम आप पूछ सकते हो मेरे भाई, अगर आप बुरा ना माने तो। हेलो, AKDN, मैं आपको ये AKDN की AKFED, ये आपके इमाम की एफिलेटेड है, सेंड करती हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात ये है कि आगा खान की अपनी वेबसाइट पर है। आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? चलें, शायद आपने अपना माइक म्यूट कर दिया है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी आप अगर कॉल पे ही रहें, मैं आपको सबसे बड़ा प्रूफ अभी दिखा देती हूँ, ये AKFED कीनिया, इसका है, इस पे देखिएगा आगा खान का जो पोर्क का कारोबार है ना, कि वो सुअर का गोश्त बेच रहे हैं। आपका मुझे नंबर कहीं है, ये सेंड कर आप एक, मैं आपको जरा एक मैसेज करूं क्योंकि मुझे आपका ना मैसेज दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। आपका आप मुझे एक मैसेज करेंगे क्योंकि मुझे, हाँ मिल गया, सॉरी, मिल गया मिल गया, नहीं, जो जो एक सेकेंड, वीडियोस में भेजा था वो देखा आपने? नहीं, अब भी एक सेकंड भाई, मैं आपको पहले ये प्रूफ भेज दूं, इधर गया, हाँ ये है। अच्छा ये लिए भाई, ये देखिएगा, ये लिखा है AKFED कीनिया, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, अभी सेंड किया, और इसका जो है वो कॉपीराइट जरा पढ़ लीजिएगा नीचे। आपको, हाँ नहीं माशाल्लाह, आपको इंग्लिश तो आती होगी ना, पढ़ लेते हैं ना, इतना नहीं आता। देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है फार्मर्स चॉइस कंपनी का नाम है, खुला पेज, आप खोलो जरा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
अच्छा, इस पे देखो ये पिक्चर बनी हुई है ना, ये जो आदमी है गोश्त डाल रहे हैं टोकरे में, इसके नीचे देखो लिखा हुआ है फार्मर्स चॉइस एस्टेब्लिश इन 1980। ये वो कंपनी है जो कि 1980 में बनाई गई थी। सेल्स फ्रेश एंड प्रोसेस्ड पोर्क प्रोडक्ट्स इन कीनिया, मतलब फ्रेश और प्रोसेस यानी कि उसको मशीनों में तैयार करदा पोर्क प्रोडक्ट। पोर्क कहते हैं सुअर को, सुअर के गोश्त को पोर्क कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है ये देखो आप, ये किसके साथ इसकी ब्रांच हो गई है, AKFED के साथ, एकेडियन। कॉपीराइट देखो नीचे लिखा है, कॉपीराइट AKDN, ठीक है। और ऊपर वेबसाइट भी देखो, AKDN की वेबसाइट है अपनी, ये मैंने नहीं बनाई ना, ये तुम्हारे आगा खान की ही वेबसाइट है जिसपे वो बता रहे हैं कि हमने अब अपना जो बिजनेस है वो जोड़ लिया है फार्मर्स चॉइस के साथ, जो कि सुअर का गोश्त बनाते हैं बेचते हैं। कर रहा था कि तो मेरे भाई AKDN किसका है ये बताओ ना। हाँ, तो इमाम का काम नहीं है कि वो देखे कि उस वो किस कारोबार से पैसा कमा रहे हैं। मैं नहीं मानता, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। जो लोग चोरी छुपे इस तरह कारोबार कर रहे हैं तो चोरी बीमारियां कर रहे छुपे हैं तो फिर देखो मेरे मेरे भाई, हम लोग जब इतने दूर बैठे हैं और हमें पता चल रहा है कि इमाम का कारोबार क्या है, तो इमाम को खुद नहीं पता कि उनका कारोबार क्या है, ये कैसी बात कर रहे हो। ये देखो मैं आपको एक और चीज भेज रही हूँ, ये भी जरा देखना। ये सरीना होटल्स में जहां जहां वाइन और उसका बार बना हुआ है ना, जहां पे शराब बिकती है, ये देखो ये सिर्फ सर्च कर लो, पूरा पेज खुलेगा। जहां जहां शराब बिकती है सरीना होटल के अंदर, उसका प्राइस, उसके पैसे, सब कुछ लिखे हुए हैं। उसके बाद आपके इमाम का खुद का फरमान आपका भेज रही हूँ, आपके इमाम कहते हैं हाँ सरीना होटल में शराब बिकती है लेकिन हम फॉरेनर्स को पिलाते हैं। आपका इमाम तो मान रहा है कि मैं बेचता हूँ शराब लेकिन अंग्रेजों को बेचता हूँ। सुनता भेज हूँ, देती कभी हूँ, मैंने ऐसा मैं भेज देती हूँ आपको, सुना कि मैं आपको भेज देती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको भेज देती हूँ। वाय हाजिर इमाम सेल्स अल्कोहल, ये आर्टिकल का नाम ही है और बनाई किसने है, इस्माइली गिनोसिस, आपके इमाम के साथ की वेबसाइट के साथ उसका ताल्लुक है। वाय हाजिर इमाम सेल्स अल्कोहल, ये लीजिए, इसमें फरमान आएगा दूसरे नंबर पर। आपके इमाम को पता है कि शराब बिकती है, आपके इमाम को पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नहीं बेचते, हम काफिरों को बेचते हैं, क्योंकि वो जो होटल है वो एक सोशल प्लेस है जहां पर टूरिज्म होता है, लेकिन उनको पता है बिकती है। ये देखो मैंने आपको सेंड किया है, मैं सारा डिटेल करके देख के फिर कॉल बैक करता हूँ ना। हाँ तो एक काम कीजिए, मैंने आपको अभी ये सुअर के कारोबार का भेजा, उसके बाद मैंने आपको शराब का भेजा, फिर आगा खान का फरमान भी भेज दिया, ठीक है। ये दोनों जो है, तीनों चीजें आप काउंसलर लेके चले जाओ, अगर वो आपको जो जवाब दे प्लीज हमें भी बताइएगा, ठीक है भाई। आपको भेजता हूँ, आप भी देख लेना। ठीक है भाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, कॉन्टेक्ट में रहिएगा। AKDN की वेबसाइट किसी ने बनाई है? इसके खिलाफ ऐसा कोई बनाया हुआ है वो आपने सही तरह देखा है, सारा आपने सही तरह देखा है AKDN का हाँ जो
पूरा पेज है, नीचे आपके इमाम की पूरे जो जितने भी वेबसाइट हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके कॉपीराइट है वहां पर, नहीं देखा आपने? वो तस्वीरें मैंने साथ देखा, वो ऐसे तस्वीरें भी हैं उसमें शामिल किया गया है कि वो कोई देखो जो वेबसाइट इंसान होती है के ना, देखा नहीं तो जो वेबसाइट होती है मैंने ना देखा उसके, जैसे वो अगर मेरी जैसे वेबसाइट है ना, मेरी जैसे वेबसाइट है, जब तक मैं उसमें कोई पिक्चर ना लगाऊं कोई और उस पर नहीं लगा सकता। वहां पर अगर आगा खान ने अपने पूरे बिजनेसेस की डिटेल दी है, उसमें उनके फंड्स बताएं, उसके शेयर होल्डर बताएं, तो उसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ये तो आपके इमाम की वेबसाइट है ना। नहीं, कोई और बनाए बनाए बना सकता है ना उसके खिलाफ, तो है ना। तो आप किस चीज पे यकीन करोगे? यानी इमाम की अपनी वेबसाइट है, आप उस पर भी यकीन नहीं कर रहे, तो अब आप ऐसा ही काम करो, फिर आप चले जाओ इस्लामाबाद सरीना होटल, वहां पर बल्कि उसकी वीडियो भी लगी हुई है, लेकिन आप जाहिर सी बात है आप वीडियो पे भी यकीन नहीं करोगे। तो आप फैसलाबाद में हो, या आप इस्लामाबाद में हो, या पिशावर, तीनों जगह पर सरीना होटल में शराब बिकती है, आप वहां चले जाओ, खुद ही अपनी आंखों से देख कर आ जाओ। नहीं, ऐसे बेईमान लोग बहुत ज्यादा है, मगर आप लोगों के पार्टी में भी है, हमारे पार्टी में भी है, हर एक जैसे तो नहीं होते। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि मैं और आपसे अगर मैं आपको कोई भी सबूत देती हूँ या आपसे कहती हूँ कि आप जाके खुद भी सर्च कर लो, तो आपका यही जवाब है ना कि बस मेरे इमाम का कसूर नहीं, लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? अब आप ये कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, चले, तो मुझे ये मगर बताइए कि जब आपके उसमें बहुत इमाम सारी को, तस्वीर अब आप छोड़ दो ना, अब मैं अब ना शराब की बात करूंगी ना मैं आप उसूद की बात, सब 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 जाने दो। मुझे ये बताओ कि आप जब जमात खाने में हाजिर इमाम को दुआ करते हो तो आपके हाजिर इमाम आपकी दुआ सुनते हैं या नहीं सुनते? सुनता सुनते हैं, यानी हाजिर इमाम खुद पोर्चुगाल बैठे हैं, आप पाकिस्तान बैठे हो, वो आपकी दुआ सुन लेते हैं डायरेक्ट? वो सुनता है, मतलब कि बात यह है कि अगर हम लोग सर दुआएं मांगते हैं तो लाजमी है कि सुनते यानी हैं, उनके दिलों में उनके ख्यालात में तो है। कि हाजिर इमाम हर जगह मौजूद हुए ना, हर जगह मौजूद हुए, कोई भी इस्माइली कहीं पर भी बैठा है वो जब भी मौला को पुकारेगा मौला सुन लेता है ना, आपका तो ये अकीदा है। आई हमारा खेला तो ये बताइए कि आपके हाजिर इमाम के अपने ही जगहों पर सूद, शराब, सूअर का गोश्त बिकता है, आपके इमाम को उसका नहीं पता चलता, लेकिन हर इस्माइली की दुआ सुन लेते हैं, ये क्या चक्कर है? फिर वही कहानी आ गया ना, मैं आपको डिटेल करता हूँ, फिर वही बातें कर रहे हैं आप। देखो वही है ना, एक तरफ आप कहते हो इमाम अकले कुल है, आप कहते हो मेरे इमाम को इल्मे गैब है, वो हर चीज जानता है, वो हमारी दुआ सुन लेता है, वो मुश्किल कुशा है। वो किस तरह यानी कि ये शराब भेज दे या कोई सूर का वगैरह वगैरह कर दे, वो हर फरामीन में नहीं तो मुझे फरमाता है ये कि यही मैं पूछ शराब रही हूँ ना, शराब का शराब पीना क्या, शराब का कारोबार नहीं कर रहे बोले, ऐसे तो यही तो मेरा सवाल है कि जब बोला। जब आपके इमाम अपनी जमात को कहते हैं कि शराब से दूर रहो, उनके खुद की फैमिली शराब पी रही है, वो खुद बेच रहे हैं, फिर सरीना होटल में जो आपके जो सीईओ है वो कहता है कि हमें पता है हम बेचते हैं, लेकिन ये एक टूरिज्म वाली जगह है जहां पर हम बेचते हैं, हम मुसलमानों को नहीं बेचते, हम काफिरों को, यानी जो फॉरेनर्स आते हैं हम उनको बेचते हैं। मैंने आपको इतने प्रूफ दिए, लेकिन अब आप ये कहते हो मेरे इमाम को कुछ पता ही नहीं है, वो बाकी लोग कर रहे हैं, इमाम को तो नहीं पता। तो जब इमाम को आप अकेले कुल बोलते हो तो इमाम को ये नहीं पता कि उसके कारोबार में क्या क्या चीजें हो रही हैं? कर रहे हैं ना, वो खुद थोड़ी कर रहे हैं, वो खुद ही कर रहे हैं, तो इमाम वो जो को तो फरामीन बेचते हैं उसमें फरमाते हैं कि शराब पीना क्या, शराब का कारोबार नहीं कर रहे, खुद ही फिर फरामीन आप इमाम को बेच रहा अकेले है। कुल मानना छोड़ दो, यानी कि फिर आप ये बोल दो कि मेरे इमाम के पास कोई इल्मे गैब नहीं, वो हमारी दुआ भी नहीं सुन सकता, वो हर जगह मौजूद नहीं है, तो फिर आप जमात खानों में दुआ पढ़ना छोड़ दो।
एक तरफ आप कहते हो मेरे इमाम को पता नहीं, दूसरी तरफ आप इमाम को जो है वो अकेले कुल मानते हो, तमाम जहानों की नॉलेज आपके इमाम के पास है, बस आप इमाम को यही नहीं पता कि उसके कारोबार कौन से हो रहे नहीं, हैं। वो सब सब अल्लाह है, सब अल्लाह है। अल्लाह औलाद है ना, मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो मौला अली के खिलाफ है। हम जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं वो लोग मौला अली के खिलाफ है। ये आली मदद बोलते हैं, वो गुस्सा क्यों करता है? ये आप मुझे ये बताओ ना कि याली मदद आपको सिखाया किसने? मोहम्मद ने सिखाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अली ने सिखाया, किसने सिखाया? कुरान में, मैं तो खुद अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ तो बताएं कहाँ लिखा है कुरान में याली मदद? यानी मदद है ना, ला फता इला अली ला सैफ इला ज़ुल फकार, ये कुरान की आयत है? और कुरान का नहीं। और क्या मैं अपने मर्जी से बनाया? अगर चलो अब अगर आपकी मर्जी से साबित कर दूं कि ये आपकी खुद की बनाई हुई है और ना कुरान में है ना हदीस में है, तो फिर मान लोगे मेरी बात? कुरान में नहीं है ला फता इला अली ला बिल्कुल सैफ नहीं इला है, ज़ुल फकार, ये अली का जिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है जो आप बोल रहे हो, ये नहीं है। नहीं है। चलो ये दूसरा, एक जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला, ये क्या नहीं है? तो इसमें आगा खान कहां से मौला हो गया? हम इसको अली के थ्रू से तो मानते हैं ना, देखो मेरे भाई, अगर आपके अब वाले अली साहब के औलाद है। किसी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 2-3 साल के बाद वो उस ओहदे से हट गए या वो ना मेरे मुंह में खाक वो नहीं रहे, हयात नहीं रहे, तो क्या आप जाके असेंबली के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओगे कि मेरा बाप जो है वो मिनिस्टर था, मैं भी मिनिस्टर ही हूँ, आपको कहाँ से वो ओहदा मिल जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है कि अगर किसी का बाप कलेक्टर लगा हुआ है तो उसका बेटा जाके खड़ा हो जाएगा कि मैं भी कलेक्टर ही हूँ क्योंकि मेरा बाप कलेक्टर था। अगर ये बात होती तो हजरत नूह का बेटा तूफाने नूह की कश्ती जो थी वो तूफाने नूह में गारक ना होता, ठीक है, हजरत हाबील और काबील में से काबील जो है उसको अल्लाह की लानत नहीं होती, बेटा हो जाना ये थोड़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अपनी बेटी से कहा कि ऐ फातिमा, तुझे तेरे अमाल बचाएंगे, तुझे तेरा हस्ब नसब नहीं बचाएगा, तुम अपने अमाल से जो है वो आखरत में जन्नत और दोजख पाओगी। तो ये तो हमारे नबी की तालीम है, वो अपनी बेटी को कह रहे हैं, अहले बैत जो उनकी बेटी है, जन्नत और जन्नत की खातून है, उनसे ही कहते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से कोई फायदा नहीं होगा, तुम जो अमाल करोगी उसकी वजह से तुम्हारी जो है वो अल्लाह पाक दोजख या जन्नत लिखेंगे, और आप कहते हो कि आगा खान ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे ना हज करे ना जकात दे, लेकिन वो फिर भी जो है वो मालिक है हर चीज का, ऐसा थोड़ी होता भाई। नहीं, ये हम लोग अपने अभी तो थोड़ी बनाया, ये बहुत पहले से आया हुआ है, वो देखो बहुत पहले से तो इस्लाम चौदह आया हुआ है, देखो पहले से तो इस्लाम आया हुआ है, अब इस्लाम के बाद जो चीज नई आई है वो फिर इस्लाम तो नहीं हुई ना, वो तो इस्लाम के जो है वो शक्ल बिगाड़ दी है। एक बात और है, ये जो आप बोल रहे हो कि इस्माइली मुसलमान नहीं है। हाँ आप ऐसा बात कर रहे हैं ना, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी जब आपसे मेरी पहले बात हुई थी, मैंने कहा आप मुसलमान वाला कौन सा काम करते हैं आप बता दो तो मैं मान जाऊंगी। मुसलमान वाला कौन सा काम? सब देखिए जो मुसलमान की जो तारीफ है ना, फसाद फैला रहे फसाद नहीं है, वाले, फसाद जो कुरान फसाद में, फैला रहे हैं बात तो सुन लो, वो कुरान में जो मुसलमान की तारीफ लिखी है ना वो क्या पता है आपको? आपको पता है अल्लाह क्या कहता है मुसलमान कौन है? नहीं। कुरान में अल्लाह असल फरमाता है मुसलमान कौन है वो? मुसलमान वो होता है जो अपनी तमाम तर ख्वाहिशों को अल्लाह के ताबे कर दे, अपने तमाम कामों को अल्लाह के ताबे कर दे, जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह जिस चीज का हुक्म दे वो करे, जिससे मना करे उससे बाज हो जाए, उसको उससे रुक जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल एतमाद रखे, उन पर ईमान रखे और खत्मे नबुवत का इकरार करे। अब खत्मे नबुवत का मतलब ये होता है कि मेरे नबी के बाद और कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, रिसालत रिसालत नबुवत सब खत्म हो गई, अब कोई नया दीन नहीं आएगा,
नया कुरान नहीं आएगा, नया तरीका नहीं आएगा, ये है खत्म नबूवत। लेकिन आप लोग बोल रहे हो खत्म नबूवत, लेकिन आपसे जब पूछो नबी वाली ये तालीम नहीं, हमारा इमाम ये कहता है। अच्छा, नबी ने जो है वो हज करने को बोला, इस्माइली कहता है नहीं हम तो दीदार करेंगे। नबी ने कहा जकात दो, इस्माइली कहता है हम दसों देंगे। नबी ने कहा नमाज पढ़ो, आप कहते हो नमाज नहीं हम दुआ पढ़ेंगे। तो कौन सी चीज आप नबी वाली करते हैं मेरे भाई? क्या करें यार, क्या ना उस करेंगे? तरफ जाए ना इस तरफ आए। नहीं तो आपको, जब आपको अगर मुसलमान बनना है ना, तो मुसलमान बनने की तो एक ही शर्त है, वो ये है कि अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करनी है। कोई भी हुक्म जो है ना, वो अल्लाह के हुक्म से टकराए उसको उठा के फेंक देना है। तो ना मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरी तरह कुछ बनो या आप फलां मौलवियों की तरह कुछ बनो। आप लोगों को देखो ही मत ना। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हो और अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो आपके पास कुरान मौजूद है। कुरान की सबसे बेहतरीन जो सूरत जो अल्लाह हमें नमाज में पढ़ने को बोली है, सूरह फातिहा, वो आप दुआ में भी पढ़ते हो ना। लेकिन आप अल्लाह से वादा क्या करते हो? अल्लाह से वादा करते हो, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद मांगेंगे। लेकिन आप क्या करते हो? अपने पूरे 49वें इमामों तक दुआ मांगते हो सबसे। तो ये तो अल्लाह के साथ वादा किया और फिर वो वादा तोड़ दिया। देखो भाई, हमारा मजहब ऐसे ही है। नहीं तो आपका मजहब, देखो मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है इस्माइली घर में पैदा होना, इमाम को दिल से लगाना, इमाम की ताबेदारी करना, उसको ही सब कुछ बरहक मानना। लेकिन जब एक एज अ मुसलमान सोचोगे ना भाई, कि मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ कि मैं इमाम को राजी करना चाहता हूँ। इमाम तो इंसान है भाई, ठीक है। आज ये है, आज ये सुल्तान मोहम्मद शाह भी इंतकाल हो गया ना, ये भी नहीं रहेगा, फानी फानी है सारे इमाम। बाकी कौन रहेगा? सिर्फ अल्लाह की जात। कयामत जब आएगी ना, तो अल्लाह पाक एक एक करके हर चीज को रेजा रेजा करके खत्म कर देंगे। इवन जो फरिश्ता जिब्राइल और मौत का फरिश्ता, उनको भी मौत आ जाएगी और अल्लाह पे आवाज लगाएगा कि बताओ अब कौन है जिंदा। तो खामोशी होगी, कोई भी नहीं होगा। तो अल्लाह कहेगा सिर्फ मैं। तो जो बाकी रहने वाली जात है, आप उसको छोड़ के आप इंसानों से दुआ मांग रहे हो, आप इंसानों को खुश कर रहे हो। जमात खाने में जाके आप दुआ में पढ़ते हो, या इमाम जमा अंत कुवती व अंत सनदी वालाई का तिकाली। ये कितना कुफरी अल्फाज है आपको पता है? ए मेरे इमाम जमा, ए इस दुनिया के मौला, तू ही मेरी कुवत है, तू ही मेरी ताकत है, मैं तुझी पर तवक्कल करता हूँ। तो अल्लाह किधर है इधर मेरे भाई? तुमने तो कुवत, ताकत, मदद। मैडम, फिर अगर ये बात बता रहे आप, तो अली भी इंसान था ना, तो बिल्कुल मोहम्मद भी इंसान था, फिर बिल्कुल, उनको क्या किस तरह देखना चाहिए? उनके लिए तो कुरान में वाजे है ना, अल्लाह ने उनको कह दिया कि ए नबी आप इनसे कह दो मैं तुम्हारी तरह का ही बशर हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ने अपने काम के लिए, अपने दीन के लिए तुम्हारे बीच एक पैगंबर बना के भेजा है। नबी तो अपने मुंह से कहते हैं मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ, वो भी तुम्हारी तरह, लेकिन सिर्फ मेरे में खासियत क्या है, मैं अल्लाह का भेजा हुआ मैं पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह ने चुना है अपने दीन के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को तालीमात दी, अली रजी अल्लाह को इल्म दिया, उनको उनको तमाम कुरान की तालीमात समझाई। हजरत अली ने कौन सा इस्लाम की शक्ल बदली थी मुझे बताओ? हजरत अली ने कोई दुआ बदल बना दी, जमात खाना बना लिया, कुछ किया था क्या? जब सबसे बड़े इमाम ने कुछ नहीं किया, तो आज 1400 साल बाद एक आदमी जिसका ना खुलिया, ना जिसका काम मुसलमानों जैसा है, ना वो खुद किसी सुन्नत पर अमल करता है, ना अल्लाह के हुक्म पे करता है, आप उसको इमाम मान बैठे हो मेरे भाई। बहुत मुश्किल लग रही होंगी ये बातें, आपकी खामोशी है ना, मुझे महसूस हो रही, तकलीफ होती है जब आप जिस मजहब में होते हो और आपको ये बातें सुननी पड़ती। कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी दिल करता है सबको मार दो, लेकिन भाई ये हकीकत है।
आप एक दफा कुरान, आपको देखो कितना झूठ बोला गया कि ये जो ला सैफ जुल्फिकार वाली जो है ये आयत है, ये आयत है ही नहीं भाई। ये तो पता नहीं कितने सदियों सालों के बाद जो है वो जो रावजी निकले थे उन्होंने ये बनाई। अब आपकी जो इस्माइलियों की दुआ है उसमें कोई मुकम्मल सूरत तो है ही नहीं। नहीं, ये कुरान का आयात है ना, कुरान नहीं मेरे भाई कसम, का आयात नहीं 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 है। नहीं मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, कहीं पर भी किसी भी किताब में किसी भी तर्जुमे में तुम्हें ये नहीं मिलेगा, है ही नहीं। ये आपके इमाम ने अपनी दुआ में डाला है, इसका कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अली को आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? चलो किसने कहा आपको अली को, अली को जितना हम मानते हैं ना इतना इस्माइली भी नहीं मानता। हजरत अली रोजे रखते थे, हम रोजे रखते हैं। हजरत अली ने वही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं। अली ने हज किया, हम भी हज करते हैं। अली ने जकात दी, हमने भी जकात दी। आप बताओ हम अली वाला कौन सा काम नहीं करते? अली के साथ तो बोक्स, मैं बड़ा आपको बुरा लगेगा, अली के साथ बोक्स वो रखते हैं जो अली वाला कोई काम ही नहीं करते। आप बताओ आप अली को प्यार करते हो कि हम अली को प्यार करते हैं? हम अली को हर हर उनकी बात पर अमल करते हैं। हज़रत अली तो ऐसा वजू और ऐसा गुसल करते थे कि उनको खौफ होता था कि मेरा मेरा सर का बाल सूखा ना रह जाए, उन्होंने अपने सारे बाल मुंडवा लिए थे। आप कहते हो हम वजू ही नहीं करेंगे, हमारे ऊपर गुसल ही नहीं होता, हमारी तो रूह पाक होनी चाहिए। मौला अली को पानी नहीं मिलता था, वो मिट्टी से अपने आप को पाक करते थे। आप लोग ऐसे ही उठ के चले जाते हो जमात खाने, मौला अली की कौन सी बात नहीं, मानते हो? नहीं मेरे भाई, करके जाते हैं खून नहीं, आप क्या, आप सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, आज तुम पर शरीयतों की तमाम पाबंदियों को हटा लिया गया है, तुम पर वजू और तुम पर रमजान के रोजे अब फर्ज नहीं। ये आपके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, सारे इस्माइली जानते हैं। मैं इस्माइली रह चुकी हूँ ना, आप मुझसे तो नहीं झूठ बोल सकते। कोई इस्माइली नहीं वजू करता, कोई इस्माइली गुसल नहीं करता। हैज की हालत में इस्माइली औरत जाके दुआ पढ़ सकती है, नापाकी की हालत में। आप मुझे बता रहे हो मेरे भाई, ऐसा तो नहीं करो ना। मैं आपसे सच सच बातें करूं तो आप मुझसे गोल गोल तो ना घुमाओ ना। पहले आप इस्माइली थे। हाँ अच्छा, मेरे भाई, मैं आपको आपकी इस्माइली दुआ कैसे पढ़ के बता रही हूँ, मुझे याद है। छाटा नांदी, आप अपना गुनाह अपने हाजिर इमाम से माफ करवाते हो कि नहीं करवाते, मुझे ये बताओ। छाटे में आप हाजिर इमाम से नहीं कहते या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी कुल जमा जा गुनाह माफ फरमा? हाँ ये तो फिर भाई तुम पैसे भी देते हो, तुम छाटा भी दिलवाते हो, और गुनाह किससे माफ करवाते हो? एक इंसान से जो कि खुद गुनहगार है। अल्लाह से, अल्लाह कहता है कौन है जो मेरे सिवा किसी के गुनाह माफ कर सके, कुरान की आयत है। कौन है जो मेरे अलावा तुम्हारे गुनाह माफ कर सके, अल्लाह चैलेंज करता है। और आप जाके हर चांद रात पे जाकर अपना छांटा करवा देते हो और इमाम से गुनाह माफ करवाते हो। इमाम से तो क्या, आप इमाम के जो अपॉइंटेड मुखी होते हैं उन आम इंसानों से गुनाह माफ करवा रहे होते हो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, तुम्हें कहीं कुरान में नहीं मिलेगा, हदीस में नहीं मिलेगा। कौन सा मजहब तुम फॉलो कर रहे हो? सभी हो, अल्लाह पे इबादत करना है, सबका अल्लाह एक है, सब अल्लाह सबका एक है। मानते हैं अल्लाह को, यहूदी यहूदी भी ये मानता मानते हैं है, अल्लाह। हाँ यहूदी भी ये मानता है कि अल्लाह है, लेकिन फिर वो क्या कहता है, उजैर जो है वो अल्लाह की जो है वो बेटा है। फिर ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं लेकिन कहते हैं ईसा जो है वो अल्लाह का बेटा है, नाउज़ बिल्ला। इस्माइली भी अल्लाह को मानता है लेकिन वो ये कहता है मेरे इमाम के अंदर अल्लाह का नूर है, यानी अल्लाह का एक टुकड़ा, अल्लाह का एक हिस्सा इमाम के अंदर चला गया, तो वो इमाम तो ना रहा ना मेरे भाई। उसके अंदर जब अल्लाह का हिस्सा चला गया तो वो खुद अल्लाह बन गया ना। कुरान की आयत है कि ये लोग अल्लाह पर बोहतान बांधते हैं कि अल्लाह का एक हिस्सा इनके अंदर है, इनके खुदाओं के अंदर है, ये खुली गुमराही में है। अल्लाह फरमाता है ये खुली गुमराही में ये लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह का एक हिस्सा किसी के अंदर है। आप कहते हो मेरे इमाम के अंदर अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह के अंदर उसका, अल्लाह का नूर है उसके अंदर।
अरे भाई, वो अल्लाह का नूर लेके वो इमाम बाथरूम जाता है, वही अल्लाह का नूर लेके वो अपनी बीवियों के पास जाता है, वही अल्लाह का नूर लेके वो क्या कुछ नहीं करता। क्या बात करते हो भाई, दिल मानता ही चीजें समझने की। ये सारा तो इस्माइलियों की तरफ से तुम देख रहे हो। बाकी ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इनका कोई गलती नहीं है क्या? जो आपका जो क्या ख्याल है कि नहीं, ये इस्माइली, हाफिज मैं इस्माइली की बात नहीं कर रही, जो जो इंसान अल्लाह का नाफरमान है और ये कहता है कि नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, चाहे वो मुसलमान भी बोले, काफी मुसलमान है वो कहते हैं मैं, मेरे को नमाज फर्ज ही नहीं है, मैं अल्लाह अल्लाह को देख लूंगा, मैं कब्र में देख लूंगा, मैं फरिश्तों को देख लूंगा, मुसलमान भी बोलता है ऐसे। मैं ये कहती हूँ जो जो अल्लाह का नाफरमान है वो इनकार करता है, और इनकार करने वाला कुफर करता है, और कुफर करने वाला काफिर होता है। अब वो मुसलमानों में मुशरिक हो, चाहे वो इस्माइलियों में हो, चाहे वो शियों में हो, सुन्नियों में हो, वो अल्लाह का नाफरमान है। मैं आपको तो बोल ही नहीं रही, लेकिन मेरे भाई इस्लाम जो है ना वो कुरान में है। वो इंसानों में मत देखो कि फलां 5 वक्त नमाज पढ़ता है लेकिन वो जिना करता है, फलां जो है वो हज पे जाता है, घर आके वो जो है ना वो गलत काम करता है। भाई उसको छोड़ो, तुम्हें अपनी कब्र में जाना है ना, अल्लाह तुमसे पूछेगा मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तेरे पास नबी भेजा, तूने क्या किया? तो आप क्या कहोगे? नहीं, मेरे पास गिनान था, मेरे पास इमाम था। तो अल्लाह का तो तुमने अहकाम क्या माना मेरे भाई? नहीं तुमने नहीं ये हम तो फिर ये सब मानते हैं ना, फिर इसमें क्या क्या वो मानते हो? है? मैं फिर वही सवाल करूंगी कि नहीं अल्लाह का क्या मानते हो? आपने पहले भी जवाब नहीं दिया था। नहीं वो गलत, वो मजहब है जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, ये फिर गलत हो गया ना। जबकि हम लोग ये सब मानते हैं, इत्तेफाक क्या मानते हो अब? अल्लाह कहता है ये दावा करोगे नहीं, देखो तो मुझसे अल्लाह मदद क्यों मांग रहे हो? नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, अल्लाह कहता है मेरे अलावा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। आपने अभी खुद कहा कि हाँ मैं छांटा करवाता हूँ, छांटा इमाम से गुनाह माफी होती है। अब ये बताओ, आप अल्लाह का इनकार नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म का? अल्लाह का फिर एक नाम थोड़ी है, वो तो बहुत सारे नाम है ना, जैसा भी बोलो पहुंचाएगा, हो मैं तो जाएगा छांटे अल्लाह की के बात कर रही हूँ, पास। छांटा क्यों दिलवाते हो? भाई इमाम क्या से, तुम इमाम से क्यों गुनाह माफ करवाते हो? मौला बोलते हैं ना, मौला बोलते हैं तो मौला हो गया, अल्लाह हो गया, एक ही है, नहीं, जब आप छांटा उसमें करवाते हो क्या ना, है? जब आप छांटा करवाते हो तो आप मौला नहीं बोलते, आप बोलते हो या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी, कुल जमात जे गुनाह माफ फरमा, कुल जमात की बरकता फरमा, कुल जमात दी मुश्किल दूर फरमा। आप तो नूर मौलाना शाह करीम बोलते हो, आप अल्लाह थोड़ी बोलते हो, आप मौला थोड़ी बोलते हो। आपको पता होता है आप अपने इमाम से ही मांग रहे हो, ये तो आप मेरे नहीं साथ गलत बयानी कर रहे हो ना। नूर मौलाना तो बहुत है ना, मौलाना तो हो गया, तो नूर मौलाना उसमें शाह सारा करीम अल उसमें आ गया हुसैनी, ना शामिल, ये तो शाह करीम अल हुसैनी कहाँ पे फिट करोगे? भी अल्लाह का नाम है, इसमें वो अच्छा, शाह सब करीम तो अल आ गया हुसैनी फिर। अल्लाह का नाम है? कहाँ पर है शाह? शाह नाम दिखाओ अल्लाह का, अल हुसैनी। अल हुसैनी अल्लाह का नाम नहीं है? नहीं, नहीं क्यों नहीं? अल हुसैनी अल्लाह का नाम है? ये आपने, आप कहाँ से पढ़ते हो मेरे भाई? अल्लाह के 99 नेम्स पता है आपको? उसमें उसमें कहाँ है हुसैनी? उसमें शाह किधर है? उसमें नूर अल्लाह मौलाना हुसैन नहीं किधर है, है? नूर अल्लाह मौलाना हुसैन नहीं है। नहीं, नहीं है भाई। चलो मतलब ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, तो बहरहाल मैं कल एक हमारा एक वाइज है, मैं उसे टेस्ट करके फिर बात होगी। हाँ, तो आप कहते हो हम रोजा रखते हैं, आप हाँ जो है वो साल में 12 महीने आपका रोजा होता है ना, तो साल का 12 महीना वो रोजा नहीं होता, उसे तकवा कहा जाता है। तकवा होता है गुनाहों से बचना और नेकी के काम करना, तो वो तो तमाम को हुक्म है ना। इस्माइली कम से कम 10-15% रोजा भी रखते हैं इस खाली महीने दस में। परसेंट 10-15% रखते हैं, लेकिन वो भी इसलिए रखते हैं क्योंकि कहते हैं हमारा जो है वो जाहिरी रोजा नहीं होता, हमारा बातूनी रोजा होता है, बातनी रोजा। मैं खुद भी इधर रोजा रखता हूँ,
तो फिर आप अपने इमाम, आप अपने भी इमाम की जो है वो नाफरमानी करते हो, क्योंकि इमाम ने तो कहा है कि तुम्हारे ऊपर अब जाहिरी शरीयत की पाबंदियां दूर कर दी गई हैं, आप हज नहीं करते, आप दीदार करते हैं, आप जकात नहीं दसों देते हैं, नमाज नहीं दुआ पढ़ते हैं, अब आपके अंदर सारी चीजें तो सारी इस्लाम से हटकर है ना, अब आप हर चीज अलग अलग करते हो और फिर कहते हो मैं मुसलमान हूँ, तो फिर आप खुद को इस्माइली बोल दो ना भाई, तो मसला खत्म हो जाएगा। इस्माइली अलग मजहब है, मुसलमानों का तो जो चीज है वो तो फिक्स है ना, तो कुरान से भी साबित है। अब आप मुझे मेहमानी, छाटा, नांदी, उनका भी बहुत गलतियां हैं, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। कुरान में गलती नहीं है, कुरान में गलती ना नहीं ना है। कुरान में गलती नहीं दूँ उनका हाँ तो जब कुरान में हुक्म है भी नमाज का, गलती। रोजे का, हज का, जकात का, तो फिर आप कुरान को तो मानो ना, आप बाकी सारी चीजें छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, कुरान तो मान लो पहले। हाँ बस कुरान मैंने माना है, मानूंगा, सहमत है, क्या उसमें मान रहे कोई हो, शक नहीं। आपका कलमा ही अलग है मेरे भाई, तो आप कुरान को क्या मानोगे? कलिमा यही है, कौन बोलता है अलग? आपका इस्माइली कलमा अलग है, आपकी दुआ में आप पढ़ते हो इस्माइली कलमा। चलो ठीक, इसके हवाले से कल डिटेल करेंगे क्या? ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं और मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो आप एटलीस्ट ट्राई करो, हाँ कोशिश करो इंशाल्लाह, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो लाफता, पहला हाँ, कुछ ये बात कुरान में नहीं है। दूसरा ये कि अल और हुसैनी जो सही है, अल हुसैनी ये भी अल्लाह के 99 नेम्स में नहीं है, नूर मौलाना भी अल्लाह के 99 नेम्स में नहीं है, तो आपने तो ये गलत बात कही है। तो अब आप इसको देखो, फिर इंशाल्लाह कल बात होती है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके।